नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। सवलगढ़ के ग्राम प्रधान इसमत आरा प्रधानपति अफजल अंसारी द्वारा 100 मीटर की इंटरलॉकिंग कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसकी ग्रामीण प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता विनय कुमार कन्हौजिया ने गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराए, यहाँ तक कि गांव में के लोग जलभराव के चलते लोग पैदल भी नहीं निकल पाते थे। जब से यह प्रधान बने हैं तब से गांव में विकास की गंगा बह रही है। यहाँ तक कि ईदगाह के समीप भी लोग नमाज पढ़ने वाले परेशान होते थे, आज सड़क कार किया जा रहा है जिससे अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं गाँव में 6 नलों के रिबोर भी कराए गए हैं जिससे अब पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। वहीं ग्रामीण लोग प्रधानपति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आए। तो देखते रहिए प्रतापगढ़ से विनय कुमार कन्हौजिया की ये खास रिपोर्ट। अरे प्रधान जी, आप अफजल प्रधान आप ही हैं ना? जी। अच्छा, ये कितने मीटर का इंटरलॉकिंग हो रहा है यहाँ पे? यह 100 मीटर का। अच्छा, 100 मीटर का, तो क्या क्या डलवा रहे हैं इसमें? गिट्टी है, बालू है। हाँ, नीचे गिट्टी से बालू जुड़ाई करवा के। अच्छा, तो ये रास्ता कहाँ जाती है यहाँ से कस्बे से? ये धारूपुर रोड पे निकलती है, यहाँ से धारूपुर रोड। अच्छा, यहाँ से मतलब धारूपुर रोड जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये मौजा आपका कौन सा है, कौन सा मौजा है? सुनार मोहल्ला। क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। अच्छा, तो ये रास्ता पहले कैसे थी, अभी जो अफजल प्रधान बनवा रहे हैं इसको? अरे पहले बहुत ख़राब था इसके पहले, अभी जब से नए प्रधान हुए हैं बहुत सुधार आ गया है। थोड़ा तेज बोलिए आप। गांव में बहुत सुधार आ गया है जब से ये नए प्रधान हुए हैं, नहीं तो इसके पहले बहुत ख़राब था। अच्छा, मतलब आने जाने लायक था कि नहीं यहाँ पे? आने जाने लायक भी नहीं था। अच्छा, मतलब ये रास्ता आने जाने के लायक नहीं था? नहीं नहीं। अच्छा, जब से नए प्रधान हुए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्यों भैया, सही है? हाँ, ये बात सही है। यहाँ पहले पानी रहता था, नाली उली साफ कराया था। नहीं, रोड